राजस्थान की विधानसभा में मंगलवार को हंगामा हो गया जब विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने राजस्थान को रेपिस्तान कह दिया। दरअसल इन दोनों राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए विपक्ष ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार को निशाने पर लिया। बीजेपी के नेता ने कहा कि अशोक गहलोत की सरकार के कार्यालय में महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़े हैं, क्योंकि गहलोत की सरकार सो रही है। भाजपा की सरकार ने अशोक गहलोत से इस्तीफे की मांग की, साथ ही राजस्थान में फोन टैपिंग के मामले पर भी विधानसभा में चर्चा की मांग की गई, जिस पर बीजेपी ने कहा कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि राजस्थान में किस किस के फोन टैप किए गए थे और विधानसभा में इस पर चर्चा की जानी चाहिए। हालांकि विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि जब तक हंगामा शांत नहीं हो जाता सदन में बहस की इजाजत नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि बीते साल राजस्थान में हुए राजनीतिक घमासान के बाद गहलोत की सरकार ने फोन टैपिंग की बात स्वीकारी थी। अब विपक्ष इस फोन टैपिंग पर सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। ऐसे ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।